बना हुआ है, कई सारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो जिनकी रद्द कर दी रिक्रूटमेंट वो सड़कों पर हैं, अब उनकी उम्मीदें भी खत्म हो गई। दूसरा, सरकार ने जो अलग अलग निर्णय ले रही है उससे जम्मू खिते के लोग बड़े ज़्यादा हरास्ड हैं, दुखी हैं। बीइंग डोगरा स्वाभिमान संगठन, इसको इन सब इश्यूज को किस तरह से टेकअप कर रहे हैं? हम तो उनके लिए वैसे भी पूरे अपनी स्टेट बनाने के लिए हम तो सड़कों पे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। आज भी हमने यहाँ एक जुलूस निकालना है यहाँ से अम्फले से लेके और उसके आगे न्यू प्लाट, रिहाड़ी कॉलोनी, सरवाल एक जुलूस निकाल, इस तरीके से हम लोगों से मास कंटैक्टिंग प्रोग्राम चलाया हुआ है जिससे अवेयरनेस, जागृति और जो लोगों के साथ जाहितियाँ हो रही हैं उसको एक्सपोज किया जाए और इससे बचने के लिए कैसे क्या किया सकता है उसके लिए प्रयास किए जाएँ। वी आर ऑन द जॉब, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि लोग भी इसका सहयोग करें, साथ दें, साथ जुड़ें। और जो बच्चे अभी यहाँ से किसी की लिस्ट फ्रैक्चर की, किसी पे करप्शन के चार्जेस लगे और ये दोस्त अभी दो ही तो रिजल्ट निकले थे, दो ही तो निकलने थे और इतने चार पाँच सालों के बाद वो भी इन्होंने बर्बाद कर दिए, तो ये बड़ा शेम शर्म वाली बात है मैं कहता हूँ सरकार के लिए। और सरकार को इस तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़ करनी ये बड़ी बड़ी भरी जायती है, इनजस्टिस है। और ये इनजस्टिस कब तक लोग बच्चे सहते रहेंगे जो रोते गए हैं, बद्दुआ देते गए होंगे? अगर उनमें एक सोच आ जाए बदलाव की तो वो बदल भी सकते हैं इनको। और मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, ये बदलाव करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के हालातों में किस तरह से सुधार आ सकता है, क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर के हालात को सुधारने के लिए पहले सरकार को अपने आप को सुधारना पड़ेगा, उनमें सुधार लाना पड़ेगा कि थोड़ी सी भी उनके अंदर बेईमानी नहीं रहनी चाहिए। हर व्यक्ति विशेष के लिए उनका प्यार और स्नेह रहना चाहिए। अपने इंटरेस्ट उन पालते रहोगे, लोगों को सुनोगे, कौन सुन रहा है आजकल? लोग दुखी हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं धक्के खा के आ जाते हैं वापस, और लोग कितनी कितनी देर धरनों में बैठते हैं, ऑफिसर आके सुनता नहीं। तो ये लोकराज है, लोकतंत्र है, यहाँ सुनना सुनाई होती है। आप दुनिया में देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में देखिए, जब थोड़ा सा लोग खड़े होते हैं, जब सड़कों पे आते हैं तो सरकारें, यहाँ सरकारें बदल जाती हैं, यहाँ सरकारें आके उनसे बैठ के बात करती हैं। तो ये कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं। कोई धरने पर बैठा है इसकी महाराज साहब की छुट्टी के लिए, उनको रात को उठा के ले गए, सुबह 144 लगा दी, मतलब दिस इज पोजीशन। और कोई आदमी बैठा है कि मेरी लिस्ट को फ्रैक्चर ना करिए, जो अकाउंट असिस्टेंट हैं उन्हें, और इन्होंने प्रॉमिस भी किया था, लेकिन हुआ क्या, वो प्रॉमिस में झूठा निकला। जब इस लेवल के लोग, जो लोग मेन लोग होंगे, वो अपना लेवल इतना गिरावट में ले जाएंगे तो लोग जाएंगे किसके पास? तो फिर लोगों को जब रास्ता नहीं मिलता तो फिर रास्ता खुद बना लेते हैं। अब रास्ता बनाने की बारी है। जम्मू कश्मीर एक टेस्टिंग लैब बन गया हुआ है। लैब में तो थोड़ी सी छेड़छाड़ होती है, ये तो मैं कह सकता हूँ। इतना एसिड डाल दिया कुछ बन ही नहीं रहा, आग के सिवा कुछ निकली ना, धुआं ही धुआं निकला है। रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू लिटमस, इन्होंने पता नहीं कौन कौन सा बना देना। तो मेरे कहने का मकसद है, न्यूट्रन का थर्ड लॉ अब लागू होना है, बड़ी जोर से इन्होंने मारा है और प्रेशर आएगा और डेफिनेट आएगा, चेंज होगी। सर, क्या लगता है कि आने वाले महीनों में अगर इलेक्शंस होते हैं तो आप क्या देखते हो, क्या जम्मू में परिवर्तन आएगा इलेक्शन के बाद? देखो, ये डिपेंड करता है कि लोगों को कितनी समझ आ गई। अगर लोग समझ गए कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, 371 चाहिए, डोगरा स्वयं संगठन को साथ चाहिए, साथ देना चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ एक बहुत बड़ी चेंज होगी और बहुत बड़ा इनकलाब होगा और लोगों को हर चीज़, हर तकलीफ जो उनको मिली है उससे, दुश्वारियों से हम दूर करेंगे, मुसीबतों से दूर करेंगे उनसे। सर, नई पार्टी का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है, आए दिन नई पार्टियाँ बनती जा रही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? पुराने पुराने जो दिग्गज नेता हैं वो भी नई पार्टियों की तरफ बनाने की तरफ रुख कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ये डेमोक्रेसी है, लोकराज है, इसमें कोई भी आदमी कुछ पार्टी बना सकते हैं, लेकिन पार्टी अपने लिए बनानी है, जहाँ समाज के लिए बनानी है, उसका मकसद है। अगर लोगों के लिए पार्टी बने
तो अच्छी बात है, जितनी बने कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोगों के लिए। अगर मैं आपसे गुस्से में हूँ तो आपको गुस्सा निकालने के लिए पार्टी बना दूँ, आपसे गुस्से में देश को बना दूँ, फिर वो पार्टी थोड़ी बड़ी, वो गुस्सा, वो जहर, वो निकालने के लिए, वो मैं नहीं समझता कि उसकी कोई वैल्यू होती है। पार्टी लोगों के लिए बननी चाहिए। इतनी देर से, 4 साल से जम्मू मार खा रहा है, कोई नहीं आया इधर। हम 4 साल से सड़कों पे हैं, कोई नहीं निकला। आज कहने लगे कि आई 20 लीडर निकले, पहले क्यों नहीं निकले थे? डर किस बात का था? गर्मी लग रही थी ना, एसी में बैठे थे। आज कैसे आज बात कर रहे हो कि हम लोग जम्मू को ये दिलवाएंगे, जम्मू स्टेट को ये करेंगे? पहले क्यों नहीं ये बात हुई? और शुक्र है, करो तो सही, जम्मू को सेपरेट स्टेट दिलवाओ और 370 दिलवाइए। और बात तो होगी पहले उनसे, जो मेन आदमी हैं, मेन लीडर हैं इनकी पार्टी की जो बननी है, अगर वो कुछ कहेंगे तो उस चीज़ का मतलब है। अगर ये जो कह रहे हैं तो कल वो जब बात उस बात के लिए आए ना, तो उसका मतलब क्या है?